जी नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। और गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे इस प्यारे से घर से और अपने गांव से। तो गाइस, आपको मैं अपने गांव का व्यू चेक कराता हूँ सबसे पहले। तो आप यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो गाइस, काफ़ी दिनों बाद यहाँ आज धूप आई है। तो गाइज, अभी प्लान तो वही जाने का है नहीं, तो आपको आज मैं सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ब्लॉग दूंगा आप, ठीक है गाइज? देखते हैं, अगर प्लान बनेगा कहीं जाने का तो चल लेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान तो है नहीं, क्योंकि कहीं धूप लगी है बाहर बहुत तेज़, कोई जाएगा तो है नहीं गाइज। तो वही अपनी लाइफस्टाइल बता दूंगा आपको थोड़ा कि क्या क्या करता हूँ। चलते अपने खेतों में और आपको दिखाते कि हमने अपने फसल में क्या बोया है। बोया तो कुछ नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह होती है वो आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हम, मतलब बाज़ार से तो हम कुछ सब्जी वगैरह लाते नहीं हैं, घर में हो जाती है लगभग लगभग। सो गाइस, अभी हम अपने घर के बगल वाले खेत में आए हैं और यहाँ पर लगाया हमने सबसे पहले ये है कीवी, जो कि हमने अभी एक साल हो गया है लगाए हुए। और यहाँ नीचे लगाए हमने मिर्ची, ये देखिए इस पर लगे मिर्च जो कि तीखी नहीं है। और ये है गाइस अरबी, हमारे यहाँ इसको पिंडालू भी कहते हैं। और ये है गाइस पुदीना, और यहाँ है गाइस भिंडी, भिंडी जो कि पिछले साल की है और ये अभी रिकवर हो रही है। वो है गाइस छेमी, छेमी दाल सब्जी वाली छेमी। और ये है अपना चंगेश्वर महादेव जी का मंदिर। ले चलता हूँ मैं अपने पीछे वाले खेत में। गाइस अभी हम यहाँ से अपने खेत में जाएंगे ऊपर। ए बाबा, ये है गाइस कुछ इस टाइप की हमारी फसल। ये तो फिलहाल अभी एक ही खेत है, और खेत तो कुछ वहाँ नीचे की साइड है, कुछ यहाँ ऊपर है। इस पहाड़ के पीछे भी हमारा एक जो घर है, आपको मैंने ब्लॉग भी दिया था, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, देख लेना गाइस। और ये आप देख सकते हो कितना बड़ा पत्ता है अरबी का। अभी एक महीने पहले हमने यहाँ खेत में दवाई डाली थी, घास को जला देती है वो, तो अभी मतलब कुछ कुछ तो जल गई है और थोड़ी थोड़ी बच रखी है गाइस। और कभी हम इस पेड़ पे बैठ के लॉकडाउन में बंदर भगाया करते थे। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो गाइस ये है तिल। तिल जो होते हैं ना, उसके पौधे हैं तिल के पौधे, ये आप देख सकते हो। और ये वो चीज़ है जो हर जगह होती है, चौलाई राई। और यहाँ भी ये छोटे छोटे, और इस पर मेरे को अभी एक कीड़ा मिला। इस साइड अभी इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं, कुछ वहाँ ऊपर लगे हैं, कुछ यहाँ पे। तो ये जो फूल होते हैं ना गाइस, ये देखिए भौरा, अरे उड़ गया। तो ये जो है ना, ये इनको कहते हैं चौमासी फूल, हमारी भाषा में चौमासी फूल कहते हैं इसको, जो कि सिर्फ चार महीने होते हैं, ठीक है गाइस। और मंदिर का व्यू चेक करो आप हमारे घर से। अभी आसमान में मोटा वाला बादल आ गया है, अब तो धूप शायद मुश्किल आएगी। देखिए किरण किस टाइप की पड़ रही है, धूप की, धूप की लेयर आप देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा अखरोट का पेड़, जिसमें कि काफी अखरोट आ रखे थे और बंदरों ने सब तहस नहस कर लिया है। आज तो खैर बंदर आए नहीं, कल तो इतने ज़्यादा बंदर आ रखे थे ना गाइस, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, यहाँ इस साइड में दर्द हो रहा है, पत्थर मार मार के। एक बंदर के यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे उसका दिमाग हिल गया होगा गाइस, सिस्टम हिल गया होगा उसका सिस्टम। अभी मैं छत पे बैठे बैठे इंस्टाग्राम चला रहा था, और अभी मेरे को आयुष भाई की कॉल आई कि भाई हाई फ्लू हो गया है। तो मैंने कहा भाई अब डॉक्टर के पास जा, तो कहता है कि अभी बाद में दोनों भाई डॉक्टर के पास चलेंगे, क्योंकि अभी मेरी आंखें लाल हो रही हैं गाइस, ठीक है। अभी बेस ऊपर बन चुकी है और
चेक करो गाइस, चेक कर चेक कर चेक करो गाइस। लुक तो बढ़िया है इसका, लेकिन फिर वही बात है ना, अभी देखो इसकी आवाज़ सुन ला। सो गाइस आप यहाँ भी देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं, और ये तीनों अपने घर, और अपना घर जो है वो ऊपर है। तो गाइस आप व्यू चेक करो, और ऊपर है देवदार का घना जंगल। और गाइस ये है भांग का पेड़, जिसकी हमारे गांव में बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं आपको अपने गांव का ड्रोन व्यू दे रहा हूँ, जो कि मैंने एक भाई से लिया है। तो आप चेक करो हमारा गांव ड्रोन व्यू में कैसा लगता है। गाइस आज है सावन के महीने का लास्ट दिन, और आज है मंदिर में भंडारा। भंडारा मतलब पैसा वाला भंडारा नहीं, प्रसाद वाला भंडारा आज बनता है सावन के महीने का लास्ट प्रसाद, जिसमें बनता है हलवा और रोट वगैरह। और अभी शुभम भैया आ गए हैं नीचे से, तो अभी कन्वर्ट होते हैं और जाते हैं। सो फाइनली शुभम भैया आ गए हैं। गाइस अभी मेरे साथ शुभम भैया जुड़ चुके हैं। अरे सुन भैया, हाथ तो हिला दो, क्या हाल है भाई? बढ़िया। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में प्रसाद लेने, और आप पीछे का व्यू चेक करो गाइस, बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस अभी हम मंदिर में आए थे, और हमको मिल गया प्रसाद खाने को। कैसा है भाई, कैसा बना भाई? मीठा है। ओ गाइस ख़त्म हो गया, भाई ने सब खा लिया। टाइटैनिक टिक नहीं रहा पानी भाई, मैं बनाऊंगा। टाइटैनिक बना दिया है, अब हम इसको समुद्र में लेके जाएंगे और तैरेंगे। चंद्रयान नहीं यार, समुद्रयान पनडुब्बी। गाइस अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें। प्रियांशु सकलानी ब्लॉग्स नाम से है, तो गाइस 1K करा दो यार जल्दी। इनके बाहर से कुछ ऐसी परत होती है जिसको हम तोड़ेंगे ऐसे, कगेला ऐसे तोड़ेंगे, फिर एक और बाहर मारेंगे। अठ अरे बस कर, अखरोट निकालने का आयुर्वेदिक नुस्खा बस कर। गाइस इसकी मेहंदी बनती है। गाइस अखरोट पक चुके हैं, और अब हम इनको खाएंगे। भैंस की आँख, क्या बदतमीजी है। तो गाइस अब हम इनको खाएंगे। इसको कहते हैं घुघतू, या घुघतू सुहान भगवान। सो गाइस ये है 100 साल पुरानी बिल्डिंग। क्या था भैया ये पहले? हम पहले रहा करते थे, अब छोड़ दिया इसे। हम नहीं रहते थे यहाँ पे, रहते थे माफीदार लोग, मतलब हम ही थे, हम ही है माफीदार लोग। तो गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और गाइस 1K का टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। और अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार खतरनाक ताबड़तोड़ ब्लॉग देखने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।